सेस्मिक सर्वे जरिया राज्यर पांचटी ब्लॉक रे ऑयल एवं नेचुरल गैस मिलवा नहीं ऑयल इंडिया तरफ संधार एवं परे पुरीर जो दुईटी रही जगह गो ब्लॉकर कुसुपुर एवं चित्रा से कम आरंभ हो अर्थात प्राथमिक स्तर में कुसुपुर कम आरंभ हो अलरेडी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आरंभ हो 8 एकर परिमित जो जगह रही चित्र टी देखा चाहिए सनातन टी चित्र देखा पूरा जो रिग मेसीन लगी 140 फुट उच्च क्षमता संपन्न रिग मेसीन लगी अलरेडी रिग अफ हो ये ड्रिलिंग कर पूरा 10,000 फुट बोरवेल ये खनन कर प्रोसेस ड्रिलिंग हम विभिन्न जो सरंजाम रही जंत्रपाति रही सहित जेनसेट रही ये प्रक्रिया रे लागी पूरा टीम जो आसाम रो दक्ष कारीगर माने नियोजित अछंती एवं ऑयल एवं नेचुरल गैस बढ़िबार आशंका जो धीरे धीरे बढ़िबार लागी मिलिबार आशंका धीरे धीरे बढ़िबार लागी आम सहित अछंती सीधा सड़क भाव में कथा हबा ऑयल इंडिया रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी रही अंजन ज्योति पुहान सर आपको अर्गस न्यूज में स्वागत है। सर जो प्रक्रिया तो आरंभ हो चुका है शुरू हो चुका है यहाँ ऑलरेडी रिगअप हुआ है मशीन भी लग गया है अगर और इसके बाद जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है मतलब सी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिगिंग अप प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट ड्रिलिंग होपफुली बाय 15th of February सो आफ्टर वी विल कंप्लीट द ड्रिलिंग प्रोसेस इन 3 stages बेसिकली कंडक्टर आइसोलेशन एंड ऑयल स्ट्रिंग स्टेजेस इन 3 stages एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी कैन कंप्लीट द वेल विद इन 70 to 75 days 65 to 70 days, 75 days, it may take few days plus or minus. सर बहुत सी जगह में आपने काम किया है यहाँ की जो जगह है मतलब यहाँ ऑयल मिलने का जो चांस है वो कितना लग रहा है आपको मतलब सेस्मिक सर्वे तो हो चुका है ऑयल जो सरफेस की सर्वे मतलब हो चुका है और रिगिंग प्रोसेस भी चल रहा है यहाँ की जो एरिया देख रहे हैं मतलब कैसे मतलब संभावना कैसे मतलब लग रहा है। हाँ बिना ड्रिलिंग तो बोलना तो मुश्किल है बट वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस So we are hopeful we will get something and let's see unless and until completion of drilling it is very because it is an exploration process uncertainty is always there is always uncertainties unless and until we complete the drilling only after completion of drilling we will come to know sir yahan kaam hota hai लोगों को लगता है काफ़ी समय लोगों को लगता है कि ये जो केमिकल्स यूज होता है या मशीनरीज यूज होता है फिर जो यहाँ की क्रूड ऑयल भी निकलता है उसमें मतलब यहाँ की सरफेस और यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ आप क्या मतलब प्रिवेंशन क्या है इसके? देखिए एक्चुअली वी आर ड्रिलिंग अबाउट अराउंड 35 to 40 नंबर्स ऑफ वेल इन असम दिस इज द फर्स्ट वेल वी आर गोइंग टू ड्रिल And now you don't think there will be any problem because we have taken all these precautionary measures to contain the mud system and our mud is environment friendly as we have already discussed in our awareness program. Our mud is totally environment free mud है हम लोग का इसीलिए कोई चिंता का भाव नहीं है और हम लोग जितना हम लोग काम करेंगे इको फ्रेंडली हैं और जितना हम लोग काम करेंगे तो हम लोग का वेलसाइट के अंदर में ही हम लोग कंटेन करके रखेंगे। सर एक बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो ड्रिलिंग प्रोसेस होगा फिर जो मतलब कैसे पता चलेगा कि यहाँ ऑयल है कि नहीं मतलब आप जियोलॉजिकली कैसे सर्वे करेंगे मतलब कहाँ ये टेस्ट के लिए जाएगा ये सब मन में आ रहा है। हाँ एक्चुअली आप लोग का जब जियोलॉजिकल टेस्टेड दे गॉट ओनली इंडिकेशन देयर मे बी हाइड्रोकार्बन बट अनलेस एंड अनटिल वी कंप्लीट ड्रिलिंग Nobody can say that there is 100% say that there is oil or gas. Only after completion of drilling will come to know that whether there is an oil or gas or there is nothing. Then only will come to know. And we are very much hopeful that we will get something here. Very much. Our process will proceed further. मतलब क्या क्या process चलेगा या इसके बाद अब मतलब कितने दिनों का process है? How much time it will take to complete? Okay, first I have already said that it will take 65 to 75 days to complete the drilling process. Then after that we'll go for the production testing and it will take around 25 to 30 days minimum 1 month to complete the production testing and we'll come to know that entire process will be completed sir agar yahan natural oil natural gas ya oil milta hai to pura kitna din lagega matlab yahan se pura jo oil nikalne ke liye wo kitna din lagega हाँ पहले हम लोग जब ये करेंगे हम लोग को जब कुछ ऑयल और गैस कुछ अगर मिलेगा तो इमीडिएटली हम लोग और कुछ वेल ड्रिल करेंगे सो टू अंडरस्टैंड टू स्टडी द रिजर्वर कितना बड़ा है तो उसके बाद हम लोग स्टेज बाय स्टेज हम लोग तेल को ये करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे।
immediately we cannot extract, but slowly with the due permission from the government, after starting the reservoir, then we extract the oil from time instead. Waste जो निकालेगा, mud जो निकलेगा, मतलब test कैसे किया जाए, किसको test किया जाएगा, surface को, waste को, mud को, मतलब कहाँ से आपको पता लगता है कि यहाँ oil है? अच्छा, हम लोग को जो mud के साथ जो cuttings नीचे से निकलेगा, तो that cuttings we segregate through our shakers. So that cutting we test from a 50 geological will test as per their requirement. They will test the sample, and after testing the sample, they will come to know that at particular this depth there may be a presence of hydrocarbon. Then we'll again, after completion of drilling, we'll again test through the wireline. Wireline logging services, electronic tools are there. So with these tools, we'll again go for testing, and then we'll finalize whether there is oil or gas. Sir, Anjan Jyoti sir, rahithile. जे कि पूरा आपन को कहूतिले जे किबळी भाबरे जो प्रोसेस रहिता तीन प्रकार रे एथि ड्रिलिंग प्रोसेस हबो एवं 17.5 इंच रो होल हबो प्रथम पर्याय रे पुणी जेमती कि विभिन्न प्रोसेस दे कि पूरा 10000 फुट पाखा पाखी बाई रो खनन हबार प्रक्रिया रही छे एवं एबे प्राथमिक स्तर रे 3 मास परे गोटे रूपरेखा आसीबो जे प्रकृत रे एथि ऑयल एवं नेचुरल गैस रो संधान मिलुची ना नहीं जेहेतु 2 वर्ष जाके लीज दिया जाय छी पूरा प्रक्रियाकरण रहइबो एवं अनेक समय रे जो सचेतनता मध्ये सृष्टि करा जइबो ये पूरा जो कथा रही छी एवं ये आपण देखुथिबे ये चित्रटी देखौछथि जे एठी जो बळी भाव रे काम चली छी जेनसेट लागी छी रिग मशीन लागी छी रिग अप हे सारी छी एवं अपेक्षा रही छी रिग ओवर हबा जाय के जेतबळे पूरा प्रक्रिया सरीबो ड्रिलिंग रो प्रोसेस सरीबो तापरे जेतबळे जेमती कहुतिले सर जे वेस्ट मड सब आसी तीनटा पॉन्ड हो पॉन्ड रे रखा जा तार जो कटिंग्स गुड़िक आसो टेस्ट करा जिबो पारादीप रिफाइनरी को जिबो जे प्रकृत रे सेठी कौन सब माने तादरे ऑयल एवं नेचुरल गैस मिलिबो कि नहीं तार संधान हबो एवं तापरे जो क्रूड ऑयल बाहर प्रोसेस मध्ये आरंभ हो जिबो विभिन्न स्थान रे ऑलरेडी ऑयल इंडिया ये सब कार्य जारी रखी या परे एठी मध्ये गोप परे एठी गोप कुसुपुर परे गोप रो महलपड़ा जो रही चित्रा चित्रा रे मध्ये कंस्ट्रक्शन आरंभ होला नि सेति मध्ये एवं प्रक्रियाकरण आरंभ हबो नियति पकरे समस्तकर अपेक्षा रही जे प्रकृत रे जेहेतु ऑयल बाहर आशा जो रही से बढ़ी बढ़ी चली समस्त आशा रही अर्थनैतिक एवं सामाजिक जो अभिवृद्धि हबार आशंका रही है स्थानीय जो लोक मैंने रही स्थानीय जो बासिंदा मैंने रही स्पेशली जो मैंने इटि जमी देखते किसी अभिवृद्धि हम जेहेतु जो भी ऑयल मिले आप जानते हैं विभिन्न डेवलपमेंटल वर्क्स कराए जो कथा कहूँ आम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आडमिन अच्छा साहू सर सहित टे आलोचना करवा सर केमती सर प्रोसेस चली ये या द्वारा स्थानीय लोकंर जो रही स्थानीय लोकंर कौन सब असुविधा हे देखु मुझे अवेयरनेस प्रोग्राम रो प्रेजेंटेशन आपण मानक बुझे थी जे स्थानीय ये प्रोजेक्ट जदि सक्सेसफुल है ऑयल एंड गैस जदि आम ये पर्याप्त परिमाण में बाहर तेणु ये अंचल उन्नति हे आम राज्यर उन्नति हे आम देशर उन्नति हे आउ एनर्जी इट विल हेल्प इन ए ग्रेट वे फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री से आमर ये प्रयास आपण मानक जरिया आम जनवाप चाहूँ जो लोक मन में विभिन्न धरण जो शंका उपजुच्छे से शंका आप दूर करूँ आम भी कहवाक चाहूँ जी आम इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो फॉलो कर ड्रिलिंग प्रोसीजर पर सब प्रोसेस ये ऑयल इंडिया जेहेतु गोटे भारत सरकार नवरत्न कंपनी सो इट विल फॉलो ऑल दि प्रोसीजर्स तेणु लोक मन में शंकर कौन प्रश्न रखें विभिन्न समय जेहेतु ये यूज हो केमिकल्स ये यूज होता मेसीनरीज पर जो बाहर क्रूड ऑयल ताकू नहीं कि एनवायरमेंट एनवायरमेंट को लेकिन किसी एमती प्रभाव पड़ार आशंका देखा दे कि लोक मन में अनेक संदेह थाए देखु ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी इज अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एटी एवरीथिंग इज क्लोज सिस्टम कौन सी जिनस बाहर को जबार ना रिसाइकल एंड रीयूज टेक्नोलॉजी आम यूज करूँ सब जगह करल इंडिया एटी भी रिसाइकल एंड रीयूज टेक्नोलॉजी आम व्यवहार करूँ जो ड्रिलिंग मड बाहर आम रीयूज करूँ तेणु कौन सी आउटसाइड डिस्चार्ज एलाउ करना तेणु इट इज क्वाइट एनवायरमेंट फ्रेंडली इको फ्रेंडली वे रे करा जिवो अप्रोक्सीमेटली केते दिन परे माने कोन कोन सब प्रक्रिया परे आपण माने जानी परिबे जे एटी ऑयल एंड नेचुरल गैस बाहरिबो वो जदी बाहरिबो से केते पर्याप्त परिमाण रे बाहरिबो कि नाही आपण एटी काम करिवे कि नाही बेनिफिटेड हेबे कि नाही सेटा केते दिन भितरे जानी परिबे देखंतु एटा गोटे एक्सप्लोरेटरी वेंचर आमे वर्तमान एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग करिवु फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करिवु ड्रिलिंग पर जाओ परे
ड्रिलिंग शेष होगा परे टेस्टिंग करा जिवो टेस्टिंग कला परे जाना पड़िबो एठी ऑयल एंड गैस अच्छी कि नहीं आउ जदी अच्छी पर्याप्त परिमाण रे अच्छी कि नहीं वर्तमान स्टेज रे केते परिमाण रे अच्छी कहिबा डिफिकल्ट कारण एटा होची एक्सप्लोरेटरी वेल एक्सप्लोरेशन वेंचर सो टेस्टिंग करिया परे जाना पड़िबो केते परिमाण रे अच्छी एवं किबोली भाव रे अच्छी सर टेस्टिंग से जो टेस्टिंग रो प्रक्रिया टा सर ठीक जाने ड्रिलिंग कंप्लीट हबो ड्रिलिंग प्राय आम 2200 मीटर वेल ड्रिलिंग करू ड्रिलिंग कलापर आम लगिंग ऑपरेशन हम लगिंग कलापर से प्योरली टेक्निकल जिनस लगिंग कलापर आम से जापरू कौ स्टार्टर ऑयल बियरिंग अच्छी कि ना गैस बियरिंग अच्छी कि ना कलापर देन विल फॉलो दि टेस्टिंग प्रोसीजर जदि ऑयल बाहर जी बेनिफिटेड ये पूरा जो प्रक्रिया रही ये प्रक्रिया रे माने जो माने रहिबे भी बेनिफिटेड जो माने भी हेबे से माने माने एबेठारु केमती जानिबे केमती जे एक्चुअली माने मतलब आपण केमती जानिबे जे एही परिमाण रे ऑयल बाहर छि बा नेचुरल गैस बाहर हां मु 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 इति मध्ये रे आपण को कहि सारि छि जे पर्यंत टेस्टिंग करा न जाय छि प्रोडक्शन टेस्टिंग करा न जाय छि से पर्यंत जाना पड़िबो नाही केते परिमाण रे अछि कोन अछि किंतु टेस्टिंग कला परे सेतबेले आमे कहि परिबो सेतबेले आमे गोटे पोजीशन को आसीबो जे हां ए अंचल रे तेल गैस बाहरिबो बा केते परिमाण रे बाहरिबो वर्तमान स्टेज रे एटा होची एक्सप्लोरेशन तेनु वर्तमान स्टेज रे परिमाण कहिबा जाणोतले आपण जे ड्रिलिंग जो रहउची तीनि प्रकार रहउची ड्रिलिंग परे अन्य प्रोसेस मध्ये हबो पूरा समय जेतले जेहेतु आपण एटी 2 वर्षर लीज मध्ये नेइचंती से 2 वर्ष भितर प्रक्रियाकरण सरुची ना आउ पूर्वरु भी जणा जाय पारे आमे वर्तमान एई एरिया आमे 3 वर्ष पई लीज रे नेइचु जे आमर ड्रिलिंग प्रोसेस 3 टू 4 परे जना पड़ो किंतु से 3 वर्ष भितर आम सब जना पड़ो पॉन्ड सब रही वेस्ट पिक जा कॉन्ड सर काम कौन रही है वेस्ट आसिक रखा जो योजना अच्छे जो ड्रिलिंग मड जो यूज होने प्रेजेंटेशन भी आप देखल जो मडटा आसब से मडटा आम ड्रिलिंग पिट्रे नबु बट दैट पिट इज मेड इको फ्रेंडली वे बना जाए एनवायरमेंट फ्रेंडली वे बना जाए आप देखिथे एच डी पी लाइनिंग दि जाए तेणु से कौन से पल्यूशन होवार शंका ना से आठ आम रिसाइकल एंड रीयूज टेक्नोलोजी आम यूज करूँ लास्ट क्वेश्चन जानक चाहिए जो टेस्टिंग हम कौन टेस्टिंग हम सरफेस वेस्ट ना से जो कटिंग सब बाहर क्या टेस्ट करचुअली कौन जना पड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस मिल गोटे प्योरली टेक्निकल प्रोसेस आम विभिन्न धरण लग अच्छी जोटा कि आम वेल लगिंग प्रोसेस रे टेस्टिंग करा जीवो विभिन्न धरण लग आम नबु तो से लग रु से जना पड़े जो अनेक समय रे शंका थाए अनेक मन अनेक समय रे शंका थाए संदेह थाए विभिन्न एनवायरमेंट रे पड़ुवा प्रभाव को लेकिन एवं एटी केमती भाव में प्रोसेस हम केमती ऑयल बाहर बा ना जदि बेनिफिटेड नाला न बाहर तेल ये प्रक्रिया कौन रे सब कु लेकिन जो कथा कहते अंजन ज्योति फुकान सार और साहू सार कहते उभय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही तेणु निहाती पक्ष आशा करूँ आपण जो सन्देह आप मन ता दूर हो सबुठ बड़ कथा है जेहेतु ऑयल और नेचुरल गैस बाहर नहीं कि जो आशंका रही आशा रही दृढ़ीभूत होबार लगी अर्थात आशा दृढ़ीभूत होबार लगी आशा बढ़िबार लगी निश्चित पक्षे समस्त कि गोटे लाभवान हेबो एवं जदि एमती हुए ताले प्रथम थर ओडिसा रे एमती हेबो एवं गोब जिला तेल उत्पादन रो हब पाल्टिबो पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज़।